हेलो बच्चों, आप लोग कैसे हो? हाउ आर यू? गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं आपकी मैम मिसेज रश्मि मैम, और आज आपका टर्न है मैथ का। ठीक है, आज आपका टर्न है मैथ का। तो आज हम क्या पढ़ेंगे? मैथ। ओके, ये आपकी मैथ की बुक है, इसे ओपन करिए, बैग में से निकालिए बुक जल्दी जल्दी, और इस तरीके से अपनी बुक निकालेंगे और फिर ओपन करेंगे। ओके, बुक हम ओपन करते हैं। बुक ओपन करने के बाद हम देखेंगे लेसन टू। ओके, तो पहले हम सबसे पहले जो हमने पीछे वर्क किया हुआ है, हम पहले उसे रिवाइज करते हैं। ओके, हम देखते हैं कि हमने पीछे क्या क्या पढ़ा है, क्या क्या सीखा है हमने पीछे। तो सबसे पहले हमने कौन सा लेसन किया था? लेसन फर्स्ट, है ना? मैथ में हमने लेसन फर्स्ट किया था। तो लेसन फर्स्ट में तीन पार्ट कराए थे मैंने आपको, तीन पार्ट कराए थे ना। तो नंबर वन पार्ट कौन सा था? कंपैरिजन ऑफ साइज। ओके, उसमें हम साइज का कंपैरिजन कर रहे थे। ठीक, उसमें हम क्या देख रहे थे? साइज देख रहे थे। ठीक, उसके बाद में पार्ट टू, पार्ट टू में क्या बताया था? लेंथ के बारे में बताया था। लेंथ क्या होती है? क्या होती है लेंथ? जिसमें हम लॉन्ग एंड शॉर्ट देखते हैं वो होती है हमारी लेंथ। ठीक है, उसके बाद है पार्ट थ्री। पार्ट थ्री में हमने क्या सीखा था बताइए? पार्ट थ्री में हमने सीखा था हाइट। हाइट ऐसे लॉन्ग एंड शॉर्ट। ओके, हाइट में कितना ऊंचा है और कितना नीचा है। ठीक है, तो ये हमने पढ़ा था। टॉल एंड शॉर्ट के विषय में तो क्लियर है, फर्स्ट चैप्टर सभी बच्चों का क्लियर होगा। हमने तीन पार्ट पढ़े थे फर्स्ट चैप्टर में, सबसे पहले साइज, बिग एंड शॉर्ट, उसके बाद में लेंथ, लॉन्ग एंड शॉर्ट, उसके बाद में हाइट, टॉल एंड शॉर्ट। ओके, अब हम देखते हैं लेसन टू। अब हमारा आता है लेसन टू। तो लेसन टू में हमारा क्या है? कंपैरिजन ऑफ वेट। अब तक आपने क्या पढ़ा था? साइज पढ़ा था, लेंथ पढ़ा था और हाइट पढ़ी थी, है ना? तो आपको लेंथ के बारे में, हाइट के बारे में और साइज के बारे में पता लग गया होगा। और अब हम पढ़ेंगे किसके बारे में? अब हम पढ़ेंगे वेट के बारे में। ओके, अब हम पढ़ेंगे वेट के विषय में। वेट, वजन। देखिए यहाँ मैंने ब्लैक बोर्ड पर कुछ एग्जांपल बनाए हुए हैं, ब्लैक बोर्ड पर, आपकी बुक में भी है। जब आप बुक ओपन करोगे, लेसन टू निकालोगे, चैप्टर टू निकालोगे, तो उसमें दिखाई देगी आपको। ओके, तो देखिए ये ब्लैक बोर्ड पर मैंने बनाए हुए हैं हैवी एंड लाइट। ठीक है, भारी और हल्का। हिंदी में क्या बोलेंगे? भारी और हल्का। ठीक, हैवी एंड लाइट। तो देखिए सबसे पहला क्वेश्चन है आपका, हैवी एंड लाइट टेल अस अबाउट द वे। तो देखिए ये दो बच्चे बनाए हुए हैं मैंने, तो ये आपको देखने में हैवी लग रहे होंगे, है ना? हैवी मीन भारी, जैसे आपकी मैम है मिस रश्मि मैम, उसी तरह से देखिए। तो ये हैवी लग रहा है ना, तो ये है हमारा, ये क्या बोलता है? आई एम हैवी। क्या बोल रहा है बच्चा? आई एम हैवी, मैं भारी हूं। और ये देखो दूसरा बच्चा बनाया हुआ मैंने, छोटा सा, पतला सा, ये क्या बोल रहा है? आई एम लाइट, मैं हल्का हूं। ओके, मैं हल्का हूं, ये क्या बोल रहा है? आई एम हैवी। और ये क्या बोल रहा है? आई एम लाइट, जैसे कि आपकी बुक में है लेसन टू में। ओके, चैप्टर टू में। इसके बाद कुछ एक्सरसाइज दी हुई है, एक्सरसाइज अनसर्कल द हैवी ऑब्जेक्ट। जैसे कि मैंने ये बनाया हुआ है वन टू थ्री एंड फोर, इस तरह से आपकी बुक में एक्सरसाइज दी हुई है, क्वेश्चन बने हुए हैं, यह है आपकी तरह। ठीक है,
बताइए, देखिए और दिमाग में जोर डालिए, भारी क्या होगा? हमें इसमें वेट देखना है। वेट, वेट मीन वजन। जो चीज भारी होगी, जो चीज भारी होगी उस पे हमें सर्कल बनाना है, जो चीज हल्की है बिल्कुल लाइटली है उसे हमें कुछ नहीं करना, ठीक है? तो देखिए, एक तो छोटा सा पत्ता रखा हुआ है जो पेड़ का पत्ता होता है और एक जगह खरगोश बैठा हुआ है। तो अब बताइए, ये पत्ता आपका ज्यादा भारी होगा, ये खरगोश ज्यादा भारी होगा? तो खरगोश होगा ना। वेरी गुड। देखिए खरगोश, इस तरीके से हम सर्कल बना देंगे, ये देखिए, ठीक है? अब आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर टू। क्वेश्चन नंबर टू में ये देखिए, ये फल बने हुए हैं, दो टू फ्रूट्स बने हुए हैं। ये देखिए, ये बड़ा फल है और ये छोटा सा, ये हमारा बना हुआ है वाटर लेमन, तरबूज, और ये है पोटैटो, आलू। तो बताइए आप, वाटर लेमन ज्यादा हैवी है या फिर पोटैटो जो आपका तरबूज है ये ज्यादा भारी है या फिर आलू? साफ साफ जाहिर हो रहा है कि हमारा ये वाटर लेमन ये ज्यादा हैवी है। तो हम इसमें क्या कर देंगे, गोल गोल सर्कल बना देंगे, ओके? अब आगे देखिए, आगे हमारा आता है, हमें इसमें दिखाना है क्वेश्चन नंबर थ्री में, एंड सर्कल द लाइट ऑब्जेक्ट। इसमें हमें लाइट ऑब्जेक्ट पे सर्कल बनाना है, ओके? जो हमारा लाइट है, लाइट भी हल्का फुल्का, ठीक है? हल्का, जैसे कि आप अपना बैग उठाते हो पूरा, ठीक? वो कितना भारी होता है बताना भारी। उसमें से अगर आप एक नोटबुक निकाल लेंगे और एक आपका बैग रख लेंगे तो नोटबुक ज्यादा भारी होगी या आपका बैग ज्यादा भारी होगा? बैग भारी होगा ना, और नोटबुक आपकी हल्की फुल्की। इसी तरह से यहाँ देखिए, ये बना हुआ है ग्रेप्स और ये बना हुआ है पपाया। तो बताइए, ये ग्रेप्स के दो चार ग्रेप्स रखे हुए हैं बस, और ये एक पपाया रखा हुआ है। तो बताइए, ग्रेप्स ज्यादा हैवी है या पपाया? इसमें हमें लाइट देखना है, लाइट पे जो लाइट है जो हल्का है उस पर हमें सर्कल बनाना है। तो हम देखेंगे लाइट चीज कौन सी होगी। तो हमारा पपाया जो है वो तो हैवी है, बड़ा है ना, और जो ग्रेप्स है हमारे वो छोटे छोटे हैं, वो बहुत हल्के होते हैं ना। अब देखिए, एक पपाया होता है, पपाया तो सभी बच्चे खाते हैं, सभी बच्चों को पता है पपाया क्या होता है, पपीता, और ग्रेप्स भी सभी बच्चे खाते होंगे, है ना, अंगूर। तो बताइए, अंगूर ज्यादा हल्के होते हैं या फिर पपीता? बताइए, अंगूर होते हैं ना। तो हम अंगूर पे सर्कल सर्कल बना देंगे, गोल गोल इस तरह से, ठीक है? तो ये हमारा क्या है, ये हमारा लाइट है। लाइट भी हल्का, हैवी भी भारी। अब आगे देखिए, आगे क्या है, ये भी आपके ग्रेप्स बने हुए हैं और वहां पर आपका मैंगो बना हुआ है। तो बताइए बच्चों, मैंगो ज्यादा हल्का है या फिर ग्रेप्स? सिर्फ 3 ग्रेप्स है, ये छोटे छोटे बने हुए और उधर बना हुआ है मैंगो। देखिए इधर, ये ग्रेप्स है और ये मैंगो है, ठीक है? तो हमें लाइट पे वो बनाया सर्कल, तो हम ग्राफ बनाएंगे। सभी बच्चों को समझ में आ गया होगा, एक बार फिर से रिवाइज करते हैं। देखिए, इसमें आपको वेट के बारे में सिखाया गया है। वेट, वेट मींस क्या होता है, वजन, ठीक है? हैवी एंड लाइट, हैवी मींस भारी, लाइट मींस हल्का। कुछ एग्जांपल दिए गए हैं जो आपकी बुक में भी है और ये आपकी एक्सरसाइज है। एक्सरसाइज में नंबर 1 में आपको हैवी ऑब्जेक्ट पे सर्कल बनाना है और क्वेश्चन नंबर 3 पर आपको लाइट ऑब्जेक्ट पर सर्कल बनाना है। सर्कल मींस गोल गोल जो बनाते हैं उसे क्या बोलते हैं, सर्कल, ओके? सभी बच्चों को समझ में आ गया होगा। यदि कुछ परेशानी होती है समझने में, कुछ सुनने में, कुछ भी प्रॉब्लम होती है आपको, तो आप 12 बजे तक स्कूल में आके पूछ सकते हैं, ओके? नोट्स भी लेके जा सकते हैं, नोट्स बने हुए हैं, आप जब भी आए नोट्स लेके जा सकते हैं, आपकी इच्छा है, ठीक है? कुछ भी समझ में नहीं आता है तो आप स्कूल में आइए और आकर मुझसे फेस टू फेस समझिए, ठीक है? घर से बाहर कोई बच्चा नहीं निकलेगा।
अपने मम्मी डैडी का कहना मानेंगे और घर पर बैठकर अच्छे से वीडियो देखेंगे, उसके बाद में आप नोटबुक में ये वर्क करेंगे, अपनी मैथ की बुक निकालेंगे, उसके बाद नोटबुक निकालेंगे और ये वाला वर्क करेंगे। ओके, थैंक यू।